हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है, हमारे पास पहले देख लेते हैं, ड्राइव है, श्नाइडर इलेक्ट्रिक की ड्राइव है मेरे पास VFD। तो ये कौन सा मॉडल है इसका देख लेते हैं। तो ये मेरे पास मॉडल है ATV 312। तो ये ATV 312 मेरे पास VFD है, ATV 312। पूरा मॉडल देख लेते हैं, 312 S075N4। तो ये मेरे पास श्नाइडर इलेक्ट्रिक की VFD है। इसका फ्रेंड्स हमें फैक्ट्री रीसेट कॉन्फ़िगरेट करना है, इसको सारे पैरामीटर इसके फैक्ट्री रीसेट करने हैं। तो उसके लिए ये हमारा टॉपिक है आज का वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको पावर अप कर रखा है, ये रेडी में है, अभी ड्राइव रेडी है। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए ये जो मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है इंटरनली, ये हमारा इसको प्रेस करना है सेंटर से। मैंने प्रेस किया, देखिए पहला ग्रुप खोल गया। तो इसमें फ्रेंड्स ग्रुप वाइज फैक्ट्री रीसेट करते हैं, इसमें ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं इसको। तो किसी भी सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप को भी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कितने ग्रुप हैं और कितने रीसेट कर सकते हैं किस किस को। पहले एंटर किया, रेफरेंस खुल के आया हमारा, तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे। ये देखिए सेट आ गया। सेट में आपका जो मोटर के पैरामीटर होंगे, एक्सलेशन डी एक्सलेशन वगैरह के, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका आ गया फ्रेंड DRC। तो DRC ग्रुप पे आ गया जो आपका, इसको हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। DRC में क्या है फ्रेंड्स, DRC में मोटर कंट्रोल के सारे पैरामीटर डलते हैं। जितने भी मोटर के आपके कंट्रोल के पैरामीटर डलेंगे वो DRC ग्रुप में डलेंगे। तो पहले क्या डले हैं, तो सारा देखने से अच्छा है हम इसको डायरेक्ट रिस्टोर मार देते हैं, तो बाकी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इसमें जो भी वैल्यू होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी। तो चलिए DRC में एंटर करते हैं, सेंटर की एंटर किया। तो एंटर जाने के बाद हमें फ्रेंड्स FCS में जाना है। FCS क्या है फ्रेंड्स, फैक्ट्री रीसेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे क्लॉक वाइज जाएंगे, जब तक FCS नहीं आएगा हमारा क्लॉक वाइज चलते रहेंगे। जहाँ पर हमारा FCS आएगा हम रुकना है वहाँ पर। ये हमारा FCS आ गया, देखिए यहाँ पर FCS। तो FCS में हमें एंटर करना है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से नोट भी किया हुआ है हमें, ये देखिए ATV 312 को हाउ वी कैन फैक्ट्री रीसेट को। तो हमारा ये ग्रुप दिए हुए हैं, इन ग्रुप को आज हम फैक्ट्री रीसेट करके देखेंगे। तो DRC के अंदर हम गए, ये DRC हमारा मोटर कंट्रोल के पैरामीटर है। उसके बाद हम FCS में जाएंगे, FCS हमारा फैक्ट्री रीसेट रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब FCS का। इसके अंदर जाएंगे तो INI को ओके करेंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है फैक्ट्री रिस्टोर हो जाएगा। तो अभी ये FCS में हम आ चुके हैं, इसको एंटर करते हैं। तो देखिए एंटर करके जब देखेंगे तो नो लिखा आएगा यहाँ पर, ये देखिए नो लिखा आया यहाँ पर। तो नो को हम क्लॉक वाइज पोटेंशियोमीटर से घुमाएंगे, IN1 पे लेके आएंगे। तो ये हमारा आ गया, देखिए IN, ये देखिए INI कह सकते हैं, IN1। तो इसको ओके करेंगे, सेंटर की दबाएंगे, 2 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। जब ये ब्लिंक करेगा, ये देखिए ब्लिंक हो गया, ब्लिंक होने के बाद नो लिखा जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये ग्रुप जो है फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। तो बाहर आने के लिए एस्केप, एस्केप का बटन दबाएंगे दोबारा वापस उसी ग्रुप में आने के लिए। देखिए FCS वापस आ गया बैक, एक बार और प्रेस करूँगा एस्केप तो ग्रुप में आ गए, DRC ग्रुप में। तो अगला ग्रुप देखते हैं, IO ग्रुप। IO ग्रुप क्या है फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट ग्रुप है। इसमें हमारे सारे इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो IO ग्रुप होता है। तो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही FCS में जाएंगे और INI कर देंगे। चलिए करके दिखा देता हूँ आपको मैं, DRC से आगे चलते हैं, क्लॉक वाइज मैं घुमाता हूँ। IO आ गया, IO को एंटर करता हूँ। एंटर करके हमें FCS देखना है अब कहाँ पर आएगा। तो मैं क्लॉक वाइज घुमाता जा रहा हूँ इसको जब तक हमारा FCS नहीं है। ये FCS आ गया फ्रेंड्स, जैसे FCS आया इसको ओके करूँगा सेंटर से और क्लॉक वाइज घुमाऊँगा। ये आ गया INI, इसको मैं लॉन्ग प्रेस दूंगा पुश। जब ये हो, ये देखिए ब्लिंक होने के बाद नो लिखा गया, इसका मतलब हमारा ये वाला ग्रुप भी फैक्ट्री रिसेट हो चुका है। ऐसे ही एस्केप करेंगे दो बार, बाहर आ गए ग्रुप में। उसके बाद कमांड वाला ग्रुप देखते हैं, CTR ग्रुप जो हमारा कमांड ग्रुप है, इसको भी कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये CTR ग्रुप आ गया कमांड ग्रुप, इस पर ओके करते हैं। इसके बाद हम FCS में ही जाएंगे, ये FCS आ गया, ओके करेंगे, नो लिखा आ रहा है, इसको IN1 पे जाएंगे।
ये IN1 आ गया, ये इसको ओके करेंगे, ये ओके हो गया। देखिए जैसे ब्लिंक करके नो लिखा है तो हमारा इसका मतलब सेव हो गया है। बैक करके फिर वापस ये CTL ग्रुप में पहुंच गए हैं। अब इससे आगे CTL के बाद हमारा देखिए FUN आएगा ग्रुप, इसमें क्या है हमारा एप्लीकेशन फंक्शन है जिसमें उसमें चलते हैं। तो ये आ गया हमारा फंक्शन, ये एप्लीकेशन फंक्शन आ गया इसमें। तो इसके अंदर भी वैसे ही FCS में जाएंगे क्लॉकवाइज से, ये आ गया आपका FCS, इसको एंटर करेंगे और INI को लॉन्ग प्रेस देंगे। तो ये लॉन्ग प्रेस होने के बाद ये देखिए ब्लिंक हो गया, नो लिखा आ गया, एस्केप से बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल बाहर आ गए। देखिए रेडी होगी ड्राइव। तो अभी जो भी पैरामीटर थे फ्रेंड इसमें सारे हमने फैक्ट्री रीसेट कर दिए हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर थे वो आ गए हैं अब इसमें। तो ये सबसे आसान तरीका है हमारा फैक्ट्री रीसेट करने का। तो ये था फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो फैक्ट्री रीसेट की, स्नाइडर इलेक्ट्रिक मेक की ATV 312 ड्राइव। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।